नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है इस समय कॉरपोरेट अकाउंट की बुक, केजी एप्लीकेशन से इंग्लिश मीडियम वाली। और चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, अगर आपको दिख पा रहा हो। ठीक है, आप 15 तक की वीडियो देख चुके हैं, स्टार्टिंग होगी 16 क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन को पढ़ के दिखाते हैं। आधा इस पेज पे है, आधा इसके पीछे वाले पेज पे है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका। अगर आपके पास कोई और बुक है वगैरह, यही बुक है तो इसी से काम चला सकते हैं आप। स्टैंड को नीचे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में पहले पढ़वा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एच एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014, और इसमें लिखा है एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड देयर आफ्टर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज एट दैट डेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैलेंस शीट हमें यहाँ गिवन है, और यहाँ पे एच लिमिटेड है, एस लिमिटेड है, ये हमें बाकी एसेट्स लाइबिलिटी दे रखी हैं ऊपर, और नीचे एसेट्स दे रखे हैं। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो 70% ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जो शेयर परचेज किए हैं 70% किए हैं, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दे रखा है। ठीक है, तो हम पेज लटते हैं, आगे दिखाते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। आगे वाला जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑन 31 दिसंबर 2013। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो बैलेंस शीट थी मार्च की थी 2014 की। हाँ ठीक है, तो 31 दिसंबर को परचेसिंग की है, तो आप समझ सकते हैं 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वो प्री होगा, और दिसंबर के बाद वाला जो समय होगा वो पोस्ट का समय होगा। 1 अप्रैल 2013 मतलब साल के स्टार्टिंग में कुछ बोला गया है। एस लिमिटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ओपनिंग लॉस दे रखा है हमारे पास एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और बाकी का जो होगा बैलेंस शीट जो गिवन होगा क्लोजिंग वाला होगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको प्रॉफिट का लॉस का वो देखने पता चलेगा क्या चीज़ दे रखी, किस साइड दे रखी है। यहाँ लिखा है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एच लिमिटेड रिवैल्यूड एस लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में जो रिवैल्यूड बोला गया कितना बोला गया है, 1,20,000 की रिवैल्यूड हुआ, लेकिन बुक वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी 1,00,000 रुपये। और ये सब कब की बात है, ये 1 अप्रैल वाली लाइन ही कंटिन्यू कर रखी है इन्होंने। ठीक है, तो 1 अप्रैल की बात है, या फिर कुछ और रिपोर्ट को देखते हैं। ये लिखा हाँ एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन की बात है, हमने दिसंबर में ये सब किया था ना एक्वायर, तो दिसंबर की ही बात है कि प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूड किया गया है, और प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूड किया गया है और 1,00,000 की बुक वैल्यू थी उस समय, और उसको कितने में करा गया, 1,20,000 में। बाकी हमें चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में ये वगैरह वगैरह क्या दे रखा है। ये जो बुक वैल्यू है साल के स्टार्टिंग की होगी, ठीक है, रिवैल्यूड हुई 1,20,000, और हमें बैलेंस शीट में चेक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, वो जो मैं कराऊंगा उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, बुक वैल्यू 10,000 है, लेकिन यहाँ पे रिवैल्यूड कितनी हुई, 6,000। ठीक है, और इसमें दे रखा है ऑन 31 मार्च 2014, ये वाली क्लोजिंग के समय दे रखा है सब किताब। एस लिमिटेड डिसाइडेड टू रिवैल्यूड इट्स लैंड एंड बिल्डिंग, अब ये साल के एंड की बात की जा रही है रिवैल्यूड के लिए, उस समय बुक वैल्यू दे रखी थी क्लोजिंग टाइम में ही 80,000, और कितनी हो गई, 1,00,000 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ़ायदा या नुकसान जो होगा उसको सॉल्व कर दिखाएंगे आपको। द न्यू वैल्यूज वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन दी बुक्स, ठीक है, द न्यू वैल्यूज आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन दी बुक्स, तो सॉल्व करके दिखाते हैं, इसे हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं 16 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टाइम रेशो से, टाइम रेशो। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग दे रखी है 31 मार्च 2014 की, साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 में, 31 दिसंबर 2013 में ही परचेसिंग हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक 9 महीने, यहाँ से यहाँ तक 3 महीने, ये प्री का समय है, ये पोस्ट का समय है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च और ये बाकी यहाँ तक। फिर नंबर 2 निकालते हैं हम यहाँ पे, होल्डिंग
होल्डिंग परसेंटेज कंपनी का नाम है एच लिमिटेड, यहाँ पे है एस लिमिटेड। अब इस एस लिमिटेड के शेयर कितने थे, 2 लाख थे ना, 2 लाख शेयर कैपिटल थी। डिवाइड बाय करेंगे 10 रुपीज़, डिवाइड किया तो 20,000 शेयर बन गए। 20,000 शेयर जो है हमारे पास इस समय, उसमें से 70% इसने खरीदे, 70%, तो यानी कि 20,000 का 70% करेंगे तो 14,000 हो जाएगा, और इस पर बचे 30% जो कि 6,000 बचे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई, ये दो चीज़ तो हो चुकी है हमारे पास। तीसरी चीज़, अब जो हमने पीछे देखा है उनकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। रिवैल्यूड देखो बेटा, ये 31 दिसंबर को ही रिवैल्यूड हो रखा है, बाकी ओपनिंग प्रॉफिट उसमें लॉस डेबिट बैलेंस दे रखा था वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे 40,000 क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो पहला काम उन एसेट्स को रिवैल्यूशन पे देखना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जो मुझे किताब को पेज पलटना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इतने ऊंचे से देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, अब मुझे आइडिया कम लग रहा है। ठीक है, बाकी मैंने पढ़ाया था, स्क्रीनशॉट तो ले लिया वो अपने, ठीक वहाँ से देख रहे हैं। अब नंबर 3, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एच लिमिटेड रिवैल्यूड एस लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख, और रिवैल्यूड हुआ 1,20,000 में। पहला काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी, 1 लाख, ये होती है साल के स्टार्टिंग की। ठीक है, साल के स्टार्टिंग में 1 लाख बुक वैल्यू दे रखी थी 1 अप्रैल को, लिख दिया। अगर मैं यही चीज़ बैलेंस शीट में से ढूंढूंगा तो बैलेंस शीट में आपको, पेज तो दूर जा रहा है, बैलेंस शीट में देखना अपना प्लांट एंड मशीनरी 90,000 शो हो रही है। देखो आपको, देखो 90,000 दिख रही है, 90,000 शो हो रही है, वो 90,000 है क्लोजिंग की, 31 मार्च की 90,000। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 1 लाख वाली चीज़ साल के एंड में जाके वो कितनी होगी, 90 की लगेगी। कितना टैप लग गया, 10,000, 10,000 का टैप लगा, कितने परसेंट से लगा था, 10,000 × 100 अपॉन स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, तो इससे आपसे 10% आएगा, तो हमारा टैप किस परसेंट से लगा, 10% से। अब यहाँ पे इसी चीज़ को वैल्यू करते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में था, रिवैल्यूड हुआ दिसंबर में, 9 महीने तक इस्तेमाल किया, माइनस डेप, 1 साल की डेप 10,000 थी, तो 9 महीने कितनी होगी, 9/12 कर दो, 10,000 × 9/12 7,500। ठीक है, तो दिसंबर तक इसकी वैल्यू जो रहेगी 92,500 रहेगी, माइनस कर दिया, दिसंबर की बात है, और दिसंबर को ही, 31 दिसंबर की बात थी 2013, उसी दिन रिवैल्यूड हुआ है, उसकी कीमत हो गई है 1,20,000। ठीक है, 92,500 वाली चीज़ की वैल्यू हो गई है 1,20,000, कितना बढ़ गया अचानक से, 27,500। ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ प्लांट। तो आप इतना देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो एक चीज हमने कैलकुलेशन कर ली कि इस पर प्रॉफिट हुआ। आपको पता है प्रॉफिट और रिवॉल्यूशन अगर है और उस पर हम डेप वगैरह निकाल पाए हैं तो रिवेन्यू प्रॉफिट में जाके एक्स्ट्रा डेप टू भी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, अगला पॉइंट फोर्थ, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वर्किंग नोट ही चल रहा है, ध्यान रखना। अगली बात है इसमें फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर की बुक वैल्यू 10,000 थी और रिवैल्यूड हुआ 6,000। सेम काम करना है परसेंटेज निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर की स्टार्टिंग वैल्यू थी हमारे पास 1 अप्रैल की, वो थी 10,000। 31 मार्च यानी साल के एंड में 2014 में कितनी वैल्यू दे रखी है फर्नीचर की, देखते हैं बैलेंस शीट पेज पर उठ के, फर्नीचर 8,000 रुपये, देख पा रहे बेटा 8,000 रुपये हो गया, यानी कि हमारी पूरी डेप जो लगी है 10 से 8 होने में 2,000 ही लगी है, × 100/10,000 नीचे लिख दो, तो 20% 20% डेप लग रही है। ठीक है, अब सेम कहानी जो इसमें की थी उसमें करें, वैल्यू ऑफ फर्नीचर
10,000 था, माइनस डेप, पूरे साल का डेप कितना था, 2,009 महीने का डेप निकालो तो करीबन 1,500 के आसपास होगा, 2,000 × 9/12, 1,500। तो ये से घटा के 8,500 रुपये वैल्यू आती है, कितनी आती है, 8,500। और 8,500 दिसंबर की वैल्यू है, रिवैल्यूड अचानक हो गया, लेकिन कितना हो गया, 6,000। तो बताओ बेटा, 8,000, 8,500 वाली चीज 6,000 ही रह गई, तो मतलब 2,500 का नुकसान हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूशन ऑफ फर्नीचर। तो आप इसे नोट डाउन कर लो इतना, ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके, जैसे मैंने बोला उसके हिसाब से कुछ दिखाई दे रहा था ढंग से उसके हिसाब से। तो ये लॉस हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे इसका रेवेन्यू प्रॉफिट में जाके, और जो प्रॉफिट हुआ उसका डेप घटाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अचानक बढ़ गई उस पर डेप लगाना है, और जो चीज़ अचानक घट गई है उस पर डेप वापस करना है रिटर्न बैक, ठीक है। तो अभी 2 पॉइंट हुए, तीसरा पॉइंट हमारे पास और है लैंड एंड बिल्डिंग का, लेकिन उसका रिवैल्यूशन साल के एंड में हुआ है, उसको भी दिखाते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। ऐसे हो गया इतना, पलटू पेज, क्वेश्चन बड़ा होगा थोड़ा, वीडियो देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड में मत करना, पूरी चीज़ समझने के लिए पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अब हमारा कितने पॉइंट हो गए थे, 4 हो गए, तो 5वां पॉइंट चलेगा, देख पा रहे होंगे, 5th पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर नहीं, तो फर्नीचर तो हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब ये जो बोला गया साल के एंड में बोला गया, तो बुक वैल्यू ये साल के एंड की है 80,000, और बैलेंस शीट में देखा जाए तो 80,000 है। तो बैलेंस शीट में ये भी साल के एंड का है, 31 मार्च 2014, उसी दिन के लिए बुक वैल्यू बताई गई है, और एंड में ही 31 मार्च को भी यही वैल्यू है, सेम टू सेम, यहाँ कोई डेप नहीं लगी, यहाँ कोई डेप नहीं लगी, लेकिन इस 80,000 वाली की वैल्यू अचानक से क्या हो जाती है, 80,000 वाली की वैल्यू हो जाती है 1,00,000 रुपये, वैल्यू ऑफ लैंड 80,000 की वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली बुक वैल्यू जो कि मार्च के मतलब एंड में ही है, 80,000 वाली वैल्यू थी, इसको कोई डेप तो लगना नहीं क्योंकि डेप की परसेंटेज नहीं है, अचानक से रिवैल्यूड हो गई 1,00,000 रुपये। तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20,000, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये हमारा प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन इस पर एक्स्ट्रा डेप टू भी चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं निकल पाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमारी वर्किंग यहाँ ख़त्म है, 5 पॉइंट इतने वर्किंग थे। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, इसमें आता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता है, ठीक है, इसमें ओपनिंग का हमें दे रखा था, लॉस दे रखा था, ओपनिंग का लॉस दे, देखो डेबिट बैलेंस बोला 8,000 और साल के स्टार्टिंग में है, तो 8,000 का लॉस है। करंट ईयर, अब करंट ईयर कैसे निकालेंगे, ठीक है, करंट ईयर का अगर बैलेंस शीट में पलट के देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वहां पे प्रॉफिट लॉस दिखता है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 40,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो 40,000 क्लोजिंग का, ओपनिंग का ये 8,000, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 + 8 0 भी 48,000 हो गया। इस 48 में 9 महीने, मतलब अपना टाइमिंग रेशियो देखा, 9 महीने का प्री है, तो 9/12 कर लो तो ये होगा 36,000 के आसपास हो जाता है, बाकी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, 48,000 × 9/12, 36,000, ठीक है, ये लॉस ये प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका जो आएगा इधर साइड में लिखने के लिए,
इसमें से 8,000 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो आपका 28,000 आ गया। देख पा रहे हैं 28,000। फिर ये तो पॉइंट प्रॉफिट का हो गया। अब हमें देखना है रिजर्व तो नहीं है, प्री एक्विजिशन रिजर्व वगैरह। तो बैलेंस शीट में रिजर्व के नाम पे इस साइड खाली दे रखा है, एस लिमिटेड में खाली है, नहीं दे रखा। तो अब अगला आता है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। में जो सॉल्व किए कैलकुलेशन, तो 2 बार प्रॉफिट, 1 बार लॉस आया। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ कितना आया था, प्लांट पे 27,500 का प्रॉफिट हुआ था, प्लांट पे 27,500। एक और हुआ था अभी इस पे, प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का। ठीक है, इसे हम जोड़ सकते हैं। फिर लेस करने में हमारे पास एक दो आइटम थे, लॉस हुआ था ऑन री वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर पे, फर्नीचर 2,500 का था ना हिसाब किताब, 2,500 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं, कितने हैं? 5,000। तो ये 7,500 हो गया। ठीक है, तब तो इसे जोड़ते हैं, 28,000 प्लस 27,500 प्लस 20,000, ये आया 75,500। 7,500 माइनस कर दो, 68,000 आ गया, कैपिटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, कैपिटल प्रॉफिट। तो इसमें था एच लिमिटेड के पास 70%, एस लिमिटेड के पास 30%। ठीक है, 70%, 47,600 इंटू 30%, 20,400। ठीक है, आप इसे इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि इससे आगे हो नहीं पाएगा, पेज पलटना पड़ेगा मुझे, है ना। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर रिवेन्यू प्रॉफिट निकालता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है, वीडियो बड़ी है, मुझे भी लग रहा है 4-5 GB की जाएगी, कैसे कैसे होगा देखते हैं। अरेंजमेंट तो पीछे हमारा वो आ चुका था, कैपिटल प्रॉफिट आपने लिख लिया होगा, पॉज करें वीडियो को। अब दूसरा पॉइंट आएगा इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट, इसमें लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो वहाँ 48,000 आया था प्री वाले में, मतलब ये करंट ईयर वाले में, उसका 9 मंथ का प्री लिख दिया और 3 महीने का यहाँ पर करेंगे, काटेंगे, 4 4 से काटेंगे, 12,000, 12,000 आ गया। ये 12,000 लिखने के बाद हमें ध्यान देना है कि एक बार प्रॉफिट, 2 बार प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे, लेकिन एक बार के प्रॉफिट पे हम परसेंटेज नहीं निकाल पाए तो उसका तो डैप नहीं आएगा, लेकिन जो एक बार प्रॉफिट हुआ था उसमें डैप आएगा, और जो लॉस हुआ उस पर ऐड होगा। एक लॉस हुआ था फर्नीचर का, आप पीछे देखेंगे वीडियो रिवाइंड करके तो पता चल जाएगा, जो लॉस हुआ उसका तो डेप्रिसिएशन ऐड करा जाएगा, और जो प्रॉफिट हुआ उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। किस नाम से? डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक के नाम से। ये हमारा लॉस हुआ था 2,500 का, 2,500 पे जो डेप परसेंटेज थी 20% थी, इनटू कितने समय का निकलेगा, जो कि पोस्ट का समय 3 महीने है, 3 महीने का। ठीक है, अब आपको दिखा देते हो कैसे हुआ ये। यहाँ दिख रहा होगा जहाँ मैंने उंगली रखी है, यहाँ, अरे यहाँ पे इसका लॉस आया और इस पर परसेंटेज आई 20, इसका यूज़ किया, और जो टाइम टेबल था पोस्ट का 3 महीने का वो लिखा मैंने। तो सॉल्व करते हैं, 2,500 इंटू 20% इंटू 3/12, 125 रुपये। ठीक है, देख पा रहे हैं? और
इसे जोड़ के आएगा 12,125, लेस करेंगे एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज, ठीक है, लेस एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज लिखेंगे किस वाली कीमत पे, जो हमारा 27,500 प्रॉफिट हुआ था, 27,500 प्रॉफिट, 10% की डेप आई थी, इंटू 3/12 लास्ट का समय, 27,500 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये आया 687.5, यहाँ भी साइड भी तो 687.5 माइनस 12,125, 11,437.5, ये तो आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट, आंसर में हाँ यही आ रहा है रेवेन्यू, एच लिमिटेड 70%, एस लिमिटेड 30%, 70%, 8,006.25, 11,437.5 का 30%, 34,31.25, तो इतना आ गया हमारे पास। नंबर 3 होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन सीखने के पर्पज सही है, लेकिन पेपर में तो आपको एमसीक्यू करना, लेकिन जो जो पॉइंट सीख रहे हैं उसको मेमोराइज रखना, ठीक है, जिनका फुल फ्लैश क्वेश्चन आते हैं तो उसे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। इसमें देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स लिखना है आपको, खरीदने की लागत जो थी वो थी हमारी 70% बैलेंस शीट में गिवन है 182 की, ठीक है, 1,82,000 लेस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 शेयर थे, 20 में 70% खरीदे, 14,000 खरीद लिए ना, तो 14,000 इंटू 10 करेंगे 1,40 आ जाएगा, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना था 70% वाला 47,600, तो ये हो जाएगा 187,600, और 5,600 माइनस का आ रहा है, माइनस का 5,600, तो इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है, चीज़ जितने की थी हमने 182 में खरीद ली तो पैसे बच गए, इस तरह से कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक। अब चौथा पॉइंट आता है इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये देखो जरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर 6,000 बचे इंटू 10, 60,000, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ये लिखेंगे, है ना, और तो कुछ बैलेंस शीट से ऐसी चीज़ है नहीं जो आ सकती हो, नहीं और कुछ नहीं है इसमें, तो अब शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,400, तो इसका है, इसका है आपका 3,431.25, 20,400 प्लस 60,000 8,31.25 ये आ रहा है आंसर, हाँ जी ये आ रहा है, तो माइनॉरिटी भी आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे भी। अभी रह गया हमारे पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनानी, कंसोलिडेटेड बस बहुत बड़ा 3-4 पेज भर गए हमारे, ठीक है, तो इस समय आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ध्यान से जो बच्चे इस वीडियो को हमारे ट्यूशन वाले भी देखेंगे तो ध्यान से पढ़ें, अगर कुछ रह जाए तो पूछ लें, ठीक, क्योंकि उनको तो मैं बोर्ड पर करा ही दूंगा, फिलहाल मैं सोचा
उनको डबल डबल सीखने को मिले बोर्ड पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, तो अब अगला पॉइंट करेंगे। कितने पॉइंट हो चुके? 4 हो चुके। पांचवा पॉइंट आएगा छोटा दिख रहा हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बोला हूँ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में मिलेगा आपको ढूंढने से, तो 150,000 दे रखा है, 150,000। ठीक है, और प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था? रेवेन्यू प्रॉफिट था 8,625, 8,625, तो हो गया 158,625। बिल्कुल सही, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम बैलेंस शीट लाइन खींचते हैं, और यहाँ से हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से कर लेना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसका लिखता रहता है ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी एज एट 31 मार्च 2014। इसकी जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इतना लिखा, आप से दूसरी बार लाइन में लिख सकते हैं इसे ऊपर नीचे लिख के। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक, तो इसके लिए पेज वही निकालना पड़ेगा, थोड़ा साइड पैसे लिख देते हैं जो आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है, और शेयर कैपिटल इसका तो हम ले चुके हैं, इसका बचा है तो इसका हम दिखाएंगे। पहले सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर इसमें आएगा शेयर होल्डर, फंड्स, उसमें आएगा शेयर कैपिटल, 10 लाख है वह 10 लाख आ जाएगी। ठीक है, फिर है अगली हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें है लिखा जनरल रिजर्व, सिर्फ पहली वाली कंपनी का दिखाना, कितना है? 3,10,000। फिर उसके बाद दिखाना तुम प्रॉफिट लॉस, लिखा उसे लिखना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जो कि हमारा 158,006.25 था, और आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कैपिटल रिजर्व आया था वो लिख देना, गुडविल आती है सेट्स में लिखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 83,831.25, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं इसे, तो 83,831.25 था, है ना, 83,831.25, और उसका है 5,600 रुपये कैपिटल रिजर्व का। ठीक, ये आ गया हमारे पास। इतना काम होने के बाद अब करंट लायबिलिटी लिखी है, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं? 2,30,000 प्लस 69,000, ये है ना 299 हो जाएगा। फिर और तो कुछ है नहीं, इसमें टोटल कर लो। फिर इधर आता सेकंड नंबर एसेट्स, उसमें भी है नॉन करंट, देख पा रहे हो बेटा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें है लैंड एंड बिल्डिंग, पहले वाले की 6 लाख, दूसरे की 80,000,
6 लाख में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, प्लस 80,000, ठीक है, ये 80,000 है, इसी की वैल्यू अचानक से 1 लाख हो गई थी बढ़कर, तो हमने 20,000 लिखा था प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन से जोड़ देंगे। इस पर हम कोई डेप नहीं लगा पाए थे क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे हमने सब कुछ काम किया, तो इसमें जोड़ेंगे तो पूरा 7 लाख आ जाएगा। अगला है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 5,90,000 है ना, तो एक पहली है 5 लाख प्लस 90,000, ये 90,000 वाली वैल्यू पे अचानक 27,500 हमारे बढ़ गए थे रिवैल्यूएशन नाम पे। फर्स्ट पर मैं डैप लगाई थी तो डैप कितनी आई थी वो हमें माइनस करनी होगी, डैप आई थी 27,500 में 687.5, 687.5। तो क्या किया हमने, बैलेंस शीट की दोनों प्लांट एंड मशीनरी प्लस किया, इस 90,000 वाली की वैल्यू बढ़ी थी और 27,500 बढ़ी थी प्रॉफिट हुआ था, उसमें प्लस कर दिया 27,500 पे जो डैप लगाना था वो हमने माइनस कर दिया, वैल्यू बाहर आ जाएगी, सबको प्लस माइनस कर दो, 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 27,500 माइनस 687.5, तो ये आएगा 6 लाख 16,812.5। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिर है फर्नीचर की बारी। देख पा रहा ऊपर से, ठीक, फर्नीचर नीचे यहाँ करो, फर्नीचर फर्नीचर था 22,000 और 8,000, तो 22,000 तो फर्स्ट वाली कंपनी का है, 8,000 दूसरी वाली कंपनी का है। अब यहाँ क्या हुआ, 8,000 वाले पहले नुकसान हुआ अचानक से, 2,500 का नुकसान हुआ, तो नुकसान तो मैं जैसे हमने प्रॉफिट प्लस किया था वैसे नुकसान माइनस करूँगा 2,500 का, और उस पर डैप लगा के, डैप लगाई थी हमने प्लस की थी है ना, रिटर्न बैक 125 रुपये, वो चीज़ प्लस कर दूंगा, ठीक है। कैसे कैसे किया, 22,000 प्लस 8,000, 22,000 फर्स्ट कंपनी है, सेकंड कंपनी 8,000, इसकी रिवैल्यूड किया गया तो वहाँ पर नुकसान हुआ, नुकसान होने से वैल्यू कम हुई थी 2,500, और 2,500 कम हुई है तो उसका डैप वापस प्लस करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पूरा डैप लगाया था ना, इस चक्कर में इसे रिटर्न बैक कर देंगे। तो अब कितना होगा हिसाब किताब देखते हैं, 22,000 प्लस 8,000 माइनस 2,500 प्लस 125, 27,625, ये चीज़ होगी। फिर इसमें लिखा है आपका 70% शेयर्स का मतलब नहीं, करंट एसेट्स है, प्रीलिमिनरी हम लिखेंगे नहीं, करंट एसेट्स लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा करके, करंट एसेट्स की हेडिंग में ही अमाउंट दे रखी है, कितनी है 386 प्लस 126 तो ये 5,12,000 हो गया, ठीक है, बाकी तो कुछ आएगा नहीं, बस टोटल करना है। टोटल करते हैं, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, तो 7 लाख, 6 लाख 16,000 812.5 27,625 5,12,000 बैलेंस के टोटल मैच करते हैं 18,56,437.50 सही है 18,56,437.5 ये ऊपर आना चाहिए 10 लाख 3,10,000 158,008 8,3 8,31.25 5,600 299,000 सेम आया
18,56,437.5। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना, हर एक 35 मिनट की वीडियो बन गई भाई। ठीक है भाई, पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोट डाउन कर लो, है ना, आराम से। बाय बाय, मिलते हैं, बाय, टाटा।